अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो टेक आउट योर साइंस बुक्स एंड कॉपीज, ओपन चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। आवर टुडेज टॉपिक इज फ्लावर्स, ओपन पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक्स। ना वाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या है। द मेन पर्पज़ ऑफ फ्लावर्स इज़ टू प्रोड्यूस, यानी कि जो मेन मकसद है उनका क्या काम है, प्रोडक्शन का। इफ़ यू रिकॉल जो मैंने आपको स्टार्ट किया था चैप्टर, मैंने आपको तभी बताया था फ्लावर इज़ बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। रिप्रोडक्टिव यानी कि ये जो न्यू प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाएगा। एंड देर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच आर मेल एंड फीमेल पार्ट्स। Now, sepals, these are the different components of flower. Number one, sepals. What is their function? They protect the unopened flower. Petals, they are brightly colored to attract insects. As you can see, these are the petals, जिसको हम पत्तियाँ भी कहते हैं. Stamens are the male parts of the flower consisting of anther held up on the filament. So, stamen male part होता है, जिसमें क्या present होंगे, दो components present होते हैं, anther and filament. Now, what is the function of anther? Anthers produce makes male sex cells, pollen grains भी जिनको कहा जाता है. Stigma, these are the female parts. Stigma, the top of a female part of the flower which collects pollen grains. As you can see in this picture, this is the female part. So, इसमें जो सबसे ऊपर वाला part है, that is called stigma. As you can see in this picture, this is stigma. So, इसका काम क्या है? जो pollen grains हैं, उनको collect करना. Ovary produces the female sex cells. So this is the reason ovary. So इसमें क्या होता है, basically ovary में क्या होगा, female sex cells produce होते हैं जिनको ovules भी कहा जाता है, जो कि ovary के अंदर present होंगे. Nectaries produce sugary nectar which attract insects. So basically this is a juice like component, जो क्या होगा, sugary nectar, यानी कि जो sugar content जैसे juice बनाएगा, जिसका काम क्या है, insects को अपनी तरफ खींचना. आर एक्चुअली लीव, यानी जो पेटल्स जिनको पत्तियाँ कहा जाता है वो असल में लीव्स ही होती हैं. दीज आर यूजली ब्राइट कलर्स टू अट्रैक्ट पॉलीनेटिंग इंसेक्ट्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे देख सकते हैं जो सनफ्लावर है उसमें येलो पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ पॉलीनेशन के लिए अट्रैक्ट करें. स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट हैज़ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. एंड यू कैन सी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. एंड दिस पार्ट एट द एंड जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एंथर. This is a sac-like structure on top of filament which contains different pollens. So sac-like, यानी कि इस तरह से जो छोटा सा बोरी की तरह जो structure present होगा, that is called anther. और ये जो part है, that is called filament. Ovary are basically female reproductive part in which egg cells develop here. यानी कि जो egg cells हैं female reproductive part में, जो cells develop होते हैं, वो कहाँ बनेंगे, ovaries में. Grows to become fruit or seed coat. और आहिस्ता आहिस्ता ये grow होकर किस में चेंज होंगे, फ्रूट्स में या फिर सीड कोट में. आपने देखा होगा जब आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, ये जो ओवरीज बनना स्टार्ट होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सीड कोट में, यानी कि जो उसकी कवरिंग होगी, या फिर फ्रूट्स में. नाउ फ्लावर कंटेन्स द मेल प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर, बट द मोर ऑब्वियस वंस आर यूजली ब्राइटली कलर एंड स्वीट स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड इवन पैट्स. यानी कि जो ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उनके ब्राइट कलर्स होते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है. दीज एनिमल्स कम टू फीड ऑन द शुगरी नेक्टर स्टोर्ड एट द बेस ऑफ द प्लांट्स. यानी कि आपने अक्सर देखा हो जो प्लांट्स फ्लावर्स हैं उन पर डिफरेंट जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से अपना फीडिंग का प्रोसेस करते हैं और वहाँ से शुगर कॉन्टेंट्स यानी कि जूस कॉन्टेंट्स हैं वो हासिल करते हैं. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पेटल्स आर ब्राइटली कवर्ड. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द स्टेमन. सो बेसिकली दिस रीजन इज कॉल्ड स्टेमन, जिसमें फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दैट इज कॉल्ड एंथर, और ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. नेक्टर इज मेड एट द बॉटम. वेरी प्रोडक्ट, जो नेक्टर है, जो जूस है, वो कहाँ बनेगा, बॉटम यानी कि नीचे वाले हिस्से में. इट इज़ अ स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द कार्पल. यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके भी फोर पार्ट्स हैं, दैट इज सेपल्स, कार्पल, ओवरी एंड एव्यूल. सो सेपल्स का क्या काम है, प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बर्ड. यानी कि जब आपने देखा होगा प्लांट्स फ्लावर्स जब ग्रो करते हैं वो पहले एक बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं.